ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और 26 जुलाई आ गई है, यानी कि बुधवार की अष्टमी है, वो भी सावन के अधिक मास की, जो कि इस दिन को, इस महीने को और भी पवित्र और भी सुंदर बनाती है ना। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं या फिर हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा, बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा, ठीक है। कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग तीन बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि अगर आपके घर में आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, घर के लोग गुस्सा बहुत करते हैं, आपकी इज्जत नहीं करते हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं मानते हैं, तो इस काम को करेंगे। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, समझिएगा। आपको क्या करना है, जाना होगा बेल पेड़ नीचे। कहां जाओगे, बेल पेड़ के नीचे जाना, लेकिन ऐसे ही नहीं जाना है, कुछ सामान को लेके जाओगे। कौन कौन सा सामान, समझिएगा। हमें लेना होगा थोड़ा सा दूध, आपको लेना होगा थोड़ा सा दही, आपको लेना होगा थोड़ा सा घी, आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, और साथ ही साथ आप ले सकते हैं या तो गंगा जल ले लो या फिर कोई सा भी मिश्री वगैरह मीठा ले सकते हो, ठीक है। इन सभी चीजों को आपस में मिक्स नहीं करना है, अलग अलग छोटी छोटी कटोरी में लेकर के जाना, ठीक है। ले लिया, साथ ही साथ आपको लेना होगा एक लाल कपड़ा। अब वो लाल कपड़ा कोई ज़रूरी नहीं कि नया ही हो, कोई सा भी लाल कपड़ा जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो, साफ सुथरा रखा हो, ठीक है, लाल कपड़ा लेना। फिर आपको लेना होगा 108 चावल के दाने। जब भी मैं चावल का दाना बताता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि वो खंडित ना हो, बिल्कुल खड़े चावल के दाने होने चाहिए। इतने सारे सामान को सिर्फ लेना है। अब जो मेन काम शुरू होता है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। आपको क्या करना है, वहीं पर बेल पेड़ के नीचे, बेल पेड़ की ही मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, ठीक है। क्या बनाओगे, पार्थिव शिवलिंग। अब जो बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप करोगे, अब आपको वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके एक छोटी छोटी पिंडी दो टू बनानी होगी, ठीक है। एक पिंडी बनाओगे, ये बनाओगे भगवान गणेश के नाम की, और ये बनाओगे पिंडी आप माँ जगदम्बा के नाम की। किसके नाम की, माँ जगदम्बा के नाम की। दो पिंडी इस तरीके से छोटी छोटी गोबर की बनाओगे, गाय के गोबर की दो छोटी छोटी पिंडियाँ ऐसे बना लेना, ठीक है। बना लिया आपने, उसके बाद मैंने आपको कुछ बताया था कि आपको दूध लेना है, दही लेना है, घी लेना है, शहद लेना है, गंगा जल लेना है, बताया था ना। तो आपको क्या करना है, उसी से सबसे पहले भगवान शंकर को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से स्नान कराना है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, चावल अभी समर्पित नहीं करना है, सिर्फ जो बताया मैंने वो समर्पित करना, और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना, ठीक है। इतना काम कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, मैंने आपको लाल कपड़ा बताया था कि नहीं बताया था। उस लाल कपड़े पर क्या करेंगे, जो भी स्त्री, जो भी महिला या फिर जो भी पुरुष परेशान है, उसके घर में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, हस्बैंड वाइफ में हो रही है या फिर घर में किसी सदस्य हो रही है, तो आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों की छाप, जैसे इसी कपड़े पर, लाल कपड़े पर लगाएंगे, अपने दोनों हाथों की जो छाप होगी वो इसी लाल कपड़े पर लगा देना, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए उसके बाद इस लाल कपड़े को उठाना, जो पूजन आपने किया है, पार्थिव शिवलिंग बनाया है और दो पिंडी बनाई है भगवान गणेश और माँ जगदम्बा के नाम की, बनाया कि नहीं बनाया, आपको उस कपड़े को जिस पर आपने अपने हाथ को रखा था, उसको आपको यहीं पर पार्थिव शिवलिंग के ऊपर उड़ा देना है अच्छे तरीके से, ठीक है। उड़ा दिया मतलब ढक दिया। ढकने के बाद क्या करेंगे, आपके पास में 108 चावल के दाने हैं, अरे हैं कि नहीं है, उस 108 चावल के दाने को क्या करोगे, एक एक करके, एक साथ नहीं, एक एक करके आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए उसी लाल कपड़े के ऊपर डालते जाना है। एक उठाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम डाल दो, इसी तरीके से 108 चावल के दाने को उसी लाल कपड़े के ऊपर डालते जाना, ठीक है। डाल दिया, इतना काम कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी देर बैठ करके पूजन पाठ जो भी आपको करनी हो, आराधना करनी हो, प्रार्थना करनी हो, सब कुछ कर लेना, ठीक है। जो दीपक आपने, देखो दीपक भी प्रज्वलित जरूर करना, क्योंकि पूजन पाठ करने के लिए दीपक जरूर जलाया जाता है। तो जब वो दीपक ठंडा हो जाए, उसके बाद इस लाल कपड़े पर से जो चावल का दाना है ना, उसको उठा लेना, अपने ऊपर उस चावल के दाने को छिड़क लेना, छींट देना, ठीक है। और बाकी उस लाल कपड़े को उठाना, पार्थिव शिवलिंग को उठाना, पिंडी को उठाना और ले जाना किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में विसर्जन कर देना। नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो वहीं पर बेल पेड़ के नीचे ही किसी भी बाल्टी में डाल करके, जब वो घुल जाए अच्छे तरीके से मिट्टी, तो आपको क्या करना है, वहीं पर डाल देना है। जो
भी व्यक्ति बुधवार की अष्टमी के दिन इस तरीके से उपाय को करता है, उसके घर में कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होती, हमेशा प्रेम बना रहता है और उनका परिवार हमेशा खुश रहता है। वीडियो ज़रूर थोड़ी सी बड़ी थी, अगर कुछ समझ में नहीं आया एक बार और वीडियो को थोड़ा सा बैक जाओ, वीडियो को एक बार फिर से सुन लो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आई क्या बात मेरी? चलो, तो पहले उपाय की बात यहाँ पर हो गई है। दूसरे उपाय की तरफ, जो कि बुधवार अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय के भी बहुत फायदे हैं कि अगर आपकी सारी इच्छाएं अधूरी रह जानी, कुछ भी करते हो इच्छा पूरी नहीं हो पाती है ना, तो इस काम को करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है? क्या करना होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम है और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक छोटी सी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए है कि मैं आ गया हूँ फेसबुक पे भी, तो आप लोग में से जो भी लोग फेसबुक पे हैं मुझे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है? चलो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा, है ना? तांबे के लोटे में जल भरोगे कहाँ से? अपने घर से। इसमें कुछ डालना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस कलश को लेके जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो बताऊंगा नियम, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या करेंगे, उस कलश का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, लेकिन पूरा जल समर्पित नहीं करना है। जब आधे से ज़्यादा जल चढ़ा लें तो वहीं पर आपको जल को थोड़ा सा कलश के अंदर बचा लेना, बहुत ही थोड़ा सा बचाना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है? बचा लिया, उसके बाद पूजन अर्चना जो कुछ भी करनी हो महादेव की कर लेना। जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो दर्शन हो जाएंगे आपको नंदी बाबा के, अरे होंगे, तो जो कलश का जल में आपने, मतलब जिस कलश में आपने जल थोड़ा सा बचा रखा है, घर जाते टाइम सबसे पहले नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर उस जल को समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, ठीक है? समर्पित कर दिया और उसके बाद नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना कहनी है। लेकिन मनोकामना कहने का एक नियम है इस उपाय में, क्या है? जब आप मनोकामना नंदी बाबा के राइट कान में यानी कि दाहिने कान में बोलेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको बोलना होगा क्या? सुएशा। क्या बोलोगे? सुएशा। यहाँ पर लिख करके भी आ रहा है, हो सकता है मैं उसका प्रोनंसिएशन मैं अच्छा ना कर पा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर लिख करके भी आ रहा है। आप नाम नोट कर लें, सबसे पहले नंदी बाबा के राइट कान में ये नाम आप बोलेंगे। वो ये नाम बोलने के बाद आपकी जो भी कामना है, जो भी विषय, जो भी तकलीफें हैं लाइफ की ना, वो कह देना और उसके बाद अपने घर की तरफ चले जाना। इससे जो भी व्यक्ति कर देता है इस तरीके से उपाय को, उसकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। अगर बहुत व्रत करके हार गए हो तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक है? समझ में ही बात? चलो, दो उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय तो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि बुधवार की अष्टमी का दिन है और भगवान गणेश का उपाय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? कैसे करना है, लेकिन सबसे पहले इसके फायदे समझो कि अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, आप परेशान रहते हो ना बहुत दिनों से, तो अब भगवान गणेश का एक छोटा सा उपाय करना, ठीक है? उपाय में क्या है कि आपको क्या करना होगा, लेनी होगी दूर्वा, और वो दूर्वा लोगे, पांच दूर्वा लोगे, सफ़ेद दूर्वा। कल वाली जो वीडियो जिसने देखी होगी, मैंने तरीका भी आपको बताया था कि सफ़ेद दूर्वा आपको मिलेगी कहाँ पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास वगैरह हो ना, वहाँ पर घास में अगर एक छोटा सा ईंट पड़ा हुआ हो, उस ईंट को जब उठा लोगे तो उसके नीचे जो दूर्वा दिखेगी वो आपको सफ़ेद दूर्वा मिलेगी, ठीक है? तो पांच सफेद दूर्वा लेना, ठीक है? हम सबको ये भी पता है कि भगवान गणेश का एक जो दांत होता है वो टूटा हुआ होता है ना, तो दोपहर में 12 बजे, ऐसा नहीं कि सुबह चले गए शाम को चले गए, नहीं, दोपहर में 12 बजे, ठीक दोपहर में 12 बजे आपको वो पांच दूर्वा लेके भगवान गणेश के मंदिर में जाना है। जरूरी नहीं कि उनका कोई स्पेसिफिक मंदिर हो, ऐसे मंदिर में जाओ जहां पर भगवान गणेश की फोटो मूर्ति प्रतिमा मिल जाए। जो टूटा हुआ दांत है, उस टूटे दांत के पास में आपको वो पांच क्या रखनी है, जो दूर्वा होगी वो रख देना, ठीक है? पांच दूर्वा को रखना, प्रार्थना वगैरह कर लेना और उन पांच दूर्वा में से एक दूर्वा निकाल लेना, उसको लेके आप अपने घर चले जाना, तिजोरी वगैरह में जहां पर भी रख दोगे आपके घर की तरक्की होगी, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन अगर यह उपाय बीमारी के लिए करना चाहते हो तो जो पांच दूर्वा सफ़ेद वाली आपने भगवान गणेश के टूटे दांत के पास समर्पित की है, वो आप उठा लेना पांच की पांचों, ठीक है? उठाने के बाद आप उसको लेके अपने घर चले आना। घर ला करके क्या करोगे, जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार होगा, उस बीमार व्यक्ति को अगले दिनों से, खासकर अगर शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, ऐसी बीमारियां हैं, तो उसको अगले दिन से रोज सुबह एक एक दूर्वा खिलाना स्टार्ट कर दो, उसकी सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। देखो, सावन के महीने की बुधवार की अष्टमी तिथि है, वो भी सावन का महीना अधिक मास में पड़ रहा है, इतना सुंदर संयोग, इतना शुभ संयोग आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है?
पूरी वीडियो में हम लोगों ने 3 उपाय की बात की जो कि बुधवार की अष्टमी पे ज़रूर करने चाहिए। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।